नमस्ते, मैं पुनः आपके बीच मैं श्रीधर मुंडा। मैं जो जो घटनाएं जो घट रही थी उसकी अगला भाग लेकर मैं फिर आपके बीच आया हूँ। अगर इस वीडियो को अगर पहली बार अगर देख रहे हैं और नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें, ताकि सच्ची घटनाओं पर आधारित मैं अपना जीवन को आपके बीच रख रहा हूँ जो रियल में हो चुका है। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो को अगर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, शेयर तो जरूर करना भूले नहीं। दोस्तों, आपका शेयर कहाँ से कहाँ पहुँचा सकता है, लेकिन आप शेयर करने से कतराते हैं। सिर्फ तो शेयर करना है, आप बोलिए कहाँ शेयर करें। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, आप फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे ना करें, आप मेरा लिंक को फेसबुक पेज पर आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें पैसा आपको नहीं लगेगा, लेकिन आप करेंगे नहीं। चलिए, बिना देर करते हुए हमने बताया, देखो ऐसे कहानी आपको हम बताएंगे जो आपको रोंगटे खड़े कर देंगे। तो कहानी मैं आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो इसी तरह सारे दोस्त हम लोग आपस में रहते थे, और मैं मिल बैठ करके जो भी बनता था मिल बैठ कर हम लोग खाते पीते थे। तो वो जो हम चिंता मेरा टेंशन जो था जॉब का, मुझे बहुत ही सख्त ज़रूरत था। तो इस तरह से क्यों ज़रूरत था, क्योंकि हम आईटीआई की जो है कोर्स मेरा कंप्लीट हो जाता है, और आईटीआई कंप्लीट होने के बाद 2011 में ही हम चल रहे हैं, 2011 में ही आईटीआई मेरा कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि 10 में चले जाते हैं, 9 में था। तो इस तरह से करते करते 10 में हम मेरा आईटीआई कंप्लीट हो जाता है, मैंने 11 में हो जाता है कंप्लीट, तो हम बेरोजगार हो जाते हैं। तो उस वक्त हमको क्या करना पड़ता है, फोन आता है। तो उस वक्त मेरा पार्टनर, हम लोग 3 लोग रहते थे, एक चार लोग हम लोग हो गए एक रूम में, चार लोग हो गए। तो एक दिन की बात है, शाम का समय था, और शाम का समय में क्या होता है, इसी तरह फोन फिर पुनः आता है, और मुझे प्रश्न भाई के द्वारा पूछा जाता है। पूछने के बाद जो है मुझे बहुत ही दिमाग काम नहीं करता है। तो एक मेरा दोस्त था, क्या किया उन्होंने कि वो दोस्तों के साथ ड्रिंक लेता है, यानी दारू पीता है। दारू, मुझे बहुत गुस्सा आता है। और उस समय हम क्या करते हैं, देखते हैं कि उन्होंने शराब पिया, उसको बहुत खींच खींच कर कितना मारते हैं, बहुत मारते हैं, लातों से मारते हैं और बहुत सारा मारते हैं। तो दोस्त भी कहता कि मुझे मार डालो, मुझे मार डालो। तो फिर मैं कंट्रोल हो जाता है, मेरे दोस्तों लोग आकर के छुड़ा दिया जाता है, मैं नॉर्मल हो जाता हूँ, शांत हो जाता हूँ, और उसी तरह किसी तरह फिर दिमाग को शांत करके हम सो जाते हैं। उसके बाद वही गुस्सा था। अब सुबह होता है, अब सुबह होने के बाद इसी तरह खाना बना करके खा पी करके रेडी थी। तो उसी दरमियान जो है फिर तो से तुतुबे में फिर चालू हो जाता है, वो चालू हो जाता है, बोलता है कि तुम तो मुझे मार रहे हो, अपने तो पास नहीं करने सक रहे हो, आप रोजगार नहीं करने सक रहे हो, हमको क्यों मारते क्यों हो। तो इस तरह से वो क्या हो गया, अभी वो जॉब कर रहा है व्यक्ति जिसको मारे थे, लेकिन हम भी प्राइवेट में, वो गवर्नमेंट जॉब में चला गया। तो वो क्या होता है कि उस दिन हम इतने गुस्सा में थे कि जो मेरा किताब, हम प्रत्येक मंथ जो बुक लेते थे, 2-3 बुक हम लिया करते थे, उसको हम पूरा किताब को पूरा फाड़ फाड़ करके पूरा रूम रूम को भर देते हैं, इतना सारा किताब को पूरा रूम को पूरा भर देते हैं, यानी करीबन हम 100 बुक को हम फाड़ दिए, इतना सारा हम बुक उसमें था ना, सारा बुक को हम फाड़ देते हैं। अब उसमें क्या होता है, अब उसमें हम गुस्सा में क्या करता है कि इसमें आग जला के हम मर जाते हैं।
और हम लोग उस समय क्या होता, लाइन करता तो लालटन का हम लोग प्रयोग करते थे, लालटन जलाते थे। तो उस लालटन को हम उठाते हैं, और ऐसे पटकते हैं, पटकने के बाद वो नीचे गिर जाता है, और गिरने के बाद मेरा दोस्त था संतोष, जो बोकारो का रहने वाला था, है ना, संतोष मरांडी, जब था वो था बाहर में, दरवाज़ा लॉक था। अब दरवाज़ा लॉक था दोनों, वो भी बोला कि चलाओ, दरवाज़ा लॉक था। तो उसके बाद क्या होता है कि ये तो अब आग जला लेगा, पेपर तो फाड़ रहा है, चर चर का जो हम फाड़ रहे थे, तो आवाज़ उसको कान तक, बाहर दो रूम था तो अंदर में आवाज़ सुनाई दे रहा था। तो क्या होता है कि उस चर्चे का आवाज़ को हम मार लेंगे, आत्महत्या कर लेंगे। तो क्या होता है कि वो सुनने के बाद संतोष जो है दरवाजों को धक्का दे करके उसको दरवाजे को तोड़ देता है। दरवाजा को तोड़ने के देखने के बाद मेरे हाथ में माचिस रहता है, हम पोजीशन लिए रहते हैं, लेकिन वो संतोष मरांडी जो था हमसे वो छीन लेता है, हमको पकड़ कर खींच के बाहर निकालता है। तो बोला क्या ऐसा कर रहे हो, पागल हो गया ऐसे, बहुत तरह तक वो डांटता है उसको। हम मेरे से छोटा था, लेकिन उस छोटा भाई मानते थे, और वो बैठाया कि गुस्से में क्यों, इसलिए क्यों चिंता कर रहे हो। तो उन्होंने सांत्वना दिया, फिर शांत होते हैं, और शांत होने के बाद गुस्सा को तो कंट्रोल तो नहीं हो रहा था, लेकिन शांत होते होते फिर हम शांति में लग जाते हैं। उसके बाद कुछ ही इस तरह शांत होने के बाद फिर उसी तरह हम लोग जैसे रहते उस तरह रहते हैं। उस एक हफ्ता के अंदर फिर जो है बोला गया था कि कुछ ही दिनों के बाद आपका फिर जो बहाली जो आएंगे तो उसमें आप चले जाना। तो हम क्या करते हैं, तो उस दरमियान हम क्या करते हैं कि उस दरमियान हम क्या करते हैं कि चले जाते हैं कहाँ, जो ITI में ही जो है कैंपस लगता है, और उसमें का ITI पास वालों को ही इसमें बहाली मिलेगा। तो मुझे बहुत खुशी से, मुझे आवाज तो मिल ही जाएगा। उन्होंने सारा चीज़ फॉर्म भरने के बाद भरते हैं, उसको इंटरव्यू लिया जाता है, टेस्ट वगैरह एग्जाम जब कुछ नहीं था, इंटरव्यू लेने के बाद मेरा सिलेक्शन हो जाता है, मैं वापस आता हूँ, और मैं मुझे उन्हें ब्लैंक चेक दे दिया जाता है, उसी समय दे दिया जाता है कि आप आओ, और आपको आने के बाद जब वहाँ शिफ्ट करोगे उसके बाद आपको उस पैसा को आपको ट्रांसफ़र करा के पैसा की निकाल सकते हो। तो कंपनी का नाम सुनना चाहेंगे नहीं आप, वो कंपनी की था टाटा मोटर कंपनी, यानी टाटा मोटर कंपनी, ये कहाँ है, उत्तराखंड। उत्तराखंड कहाँ है आप जान रहे होंगे, उत्तराखंड का सिटी था रुद्रपुर सिटी, जो जहाँ कंपनी हम जो कर किए वहाँ 7 महीने के लिए हम किए थे, वो था पंत नगर। पंत नगर तो कहाँ है, वो सिडकुल एरिया कहलाता था, जो भारत का सबसे बड़ा प्लांट में से एक है, मैंने 7 अजूबा में, वहाँ थोड़ा स्टोरी बताएं, 7 अजूबा में सबसे कीमती इमारत, साइलेंट इमारत उत्तराखंड में है, और वही पंत नगर टाटा मोटर में वो बिल्डिंग है, जो बिना ऐसे पिलर से बनाया गया है, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आप वहाँ जाएंगे तो आपको इतना सफाई, आपको एक डस्ट भी आपको नज़र नहीं मिलेगा। तो उस बिल्डिंग में वहाँ है, तो उसके बारे में हम, वहाँ के बारे में क्या क्या होता है उसको हम बताएंगे, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे। मेरा सिलेक्शन होता है, मैं खुशी होता हूँ, और मेरा दोस्त बोलता है कि जिस तरह से तुम ऐसा हरकत कर रहे हो, अब तुम्हारा खुशी हो रहा है, तुम जाओ। तो उस समय भी मेरे पास पैसे का ही प्रॉब्लम चल रहा था। तो मैं घर आता हूँ, अपने घर से जो 5,000 महिला ग्रुप होता है, महिला समिति के द्वारा हम 5,000 रुपया लोन लेते हैं, 5,000 लोन लेते हैं, और सारा चीज़ यहाँ से व्यवस्था करके हम लोग
सिलेक्शन होता है, चार लोगों का सिलेक्शन होता है। चारों हम लोग रेलवे हटिया से टिकट बुक करते हैं, और टिकट बुक करने के बाद हम लोग यहाँ से प्रस्थान करते हैं। तो उसके बीच वहाँ जाने के बाद क्या घटनाएं आते हैं उसके बारे में हम बताएंगे। तो इस वीडियो के अंत तक जुड़े रहेंगे, और नेक्स्ट जब हम वीडियो डालेंगे उसको देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।